गाइज, आपने अक्सर महेंद्र सिंह धोनी को यानी कि हमारे एमएसडी को सन 2007 के वर्ल्ड कप के बाद से ही हर एक मैच में जीत के बाद स्टंप को उखाड़कर अपने साथ ले जाते देखा होगा। पर सवाल यह है कि धोनी आखिर ऐसा करते क्यों हैं? जब उनसे इस बात का जवाब मांगा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये मेरा रिटायरमेंट प्लान है। एक्चुअली जब भी मैं स्टंप को उखाड़ता हूं तो मैं कभी नहीं लिखता कि वो मैंने कौन से मैच में किया था, और रिटायरमेंट के बाद मैं अपने ही वीडियोस को देखूंगा और ये सोचूंगा कि ये स्टंप मैंने कौन से मैच में उखाड़ा था, और रिटायरमेंट के बाद यही मेरा टाइम पास है। दोस्तों, अपने फैसलों से अक्सर चौंकाने वाले महेंद्र सिंह धोनी ने एक बार फिर चेन्नई की कप्तानी छोड़कर सबको चौंका दिया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी है, और ऐसे में चेन्नई के थाला ने टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को टीम की कप्तानी सौंप दी है। दरअसल ये फैसला धोनी ने खुद ही लिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि जडेजा इस समय अपने करियर के सबसे अच्छे दौर से गुजर रहे हैं और यही सही वक्त है कि उन्हें सीएसके की कप्तानी सौंप दी जाए। इसके पीछे बड़ी वजह यह भी है कि अभी धोनी बतौर बैट्समैन चेन्नई से जुड़े हुए हैं, और उनके रहते जडेजा को कप्तानी का और भी अनुभव हो जाएगा, ताकि जब धोनी पूरी तरह क्रिकेट से संन्यास ले तो उनकी अनुपस्थिति में जडेजा सीएसके टीम को आगे लेकर जा सके। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रविंद्र जडेजा चेन्नई की इस लेगेसी को बरकरार रख पाएंगे? आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और ऐसी अमेजिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।